आपके आसपास आपके दोस्तों में ऑफिस में स्टाफ में टीम में कोई ऐसा इंसान है जो किसी भी एस्पेक्ट को लेके मे बी ही इज ऑन द रॉन्ग ट्रैक और मे बी इज ऑन डिफरेंट ट्रैक चांसेस आर वेरी हाई आइदर यू विल इन्फ्लुएंस हिम और ही विल इन्फ्लुएंस यू न्यूट्रल कोई बात ही नहीं होती है आप इन्फ्लुएंस्ड होते ही होते हो तो जब इन्फ्लुएंस होना ही है तो फिर क्यों ना हम सोचें कि हम इन्फ्लुएंस करेंगे उसको राधर देन वी गेटिंग इन्फ्लुएंसर पर्सन तो इफ यू कंटिन्यू जॉगिंग इन द इवनिंग मे बी यू विल इन्फ्लुएंस द पर्सन टू कम एंड जॉइन यू

तुमने कहा मैं आज से अंग्रेजी में बात करूंगा मुझे अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है तो पहला वो बाण मारते हैं अरे यार अंग्रेज चले गए अंग्रेजी छोड़ गए दे विल लाफ एट यू अब बहुत से लोग जो है 50 परसेंट के आसपास जनता जो है इसी बाण में मर जाती है कहते यार बात तो सही है ये तो मजाक बनाएंगे हर दिन अंग्रेजी बोलेंगे तो वो अंग्रेजी बोलना छोड़ देते हैं कहता है जॉगिंग करके भी कौन सा कुछ हो गया तू कौन सा बनेगा मिल्खा सिंह बन रहेगा तो उस बाण में लोग मर जाते हैं और कहते हैं चलो यार लेट्स स्टे विद देम क्योंकि साथ रहेंगे तो हमें कंफर्ट आएगा फिफ्टी परसेंट पब्लिक होती है, कहते हैं नहीं यार हम फिर भी जॉग करेंगे हम फिर भी अंग्रेजी में बात करेंगे और जब ये फिर भी जॉग करते हैं फिर भी अंग्रेजी में बात करते हैं तो ये जो आसपास के लोग होते हैं ये दूसरा बाण मारते हैं और ये बाण होता है डिस्करेजमेंट का दे विल डिस्करेज यू

गिवप कर देते थे कहते हैं यार रोज रोज कौन सुनेगा इनकी शायद सही कह रहे हैं एंड द गिव अब बचे 25 परसेंट पच्चीस परसेंट फिर भी कंटिन्यू करते।, करते हैं वो कंटिन्यू करते हैं इंग्लिश बोलना कंटिन्यू करते हैं जॉगिंग करना कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज करना और फिर जो जो उन्होंने पहले मजाक बनाया फिर उन्होंने डिस्करेज किया वो कहते हैं यार ये तो बड़ा मोटी चमड़ी का है ये अभी भी जॉब कर रहा है अभी भी अंग्रेजी में बात कर रहा है सो दे कम टू द थर्ड स्टेज कहते छोड़ना है इसको आर यू गेटिंग इट छोड़ना है इसको इग्नोर है सुनता ही नहीं है बात उसको बोला मत कर तो करता है नाउ दे विल स्टॉप ट्रेवलिंग यू यू हैव कम टू अ सेफ जोन नाउ अब वो आपको देखेंगे तो आपको ना डिस्करेज करेंगे ना आपकी मजाक बनाएंगे और आपको कुछ बोलेंगे में नहीं दे आर जस्ट मेंटेन दैट डिस्टेंस फ्रॉम यू तो आप अंग्रेजी में बात करते रहो कोई फर्क नहीं आप जॉगिंग करते रहो कोई फर्क नहीं और उसके बाद आप फिर भी कंटिन्यू करते रहे बिकॉज आप उन पच्चीस परसेंट लोगों में से हो तो उसमें से कुछ सेलेक्ट जो होते हैं कहते यार ये तो हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं ये तो हमें ध्यान भी नहीं दे रहे हैं सो दे फील लेफ्ट आउट एंड दे स्टार्ट अप्रोचिंग दीज गाइज अरे क्या हुआ है तुमने बात नहीं कर रहे हो नहीं नहीं तू तो बड़ा हो गया है तू तो अलग ही लेवल में आ गया है तो ये इसमें से भी 50 परसेंट जो 25 के बच्चे हैं इसमें से भी 50 परसेंट कहते हैं यार ये तो दुखी हो नाराज हो रहे हैं हमसे यार इनके हिसाब से जिंदगी चलनी चाहिए एंड दे माइट गो बैक टू द अर्लियर दर्वे अब बच्चे सिर्फ बारह साढ़े बारह परसेंट ये फिर भी जॉब करते ये फिर भी इंग्लिश में बात करते ये फिर भी कंटिन्यू करते और फिर क्या होता है यही लोग जो मजाक बना रहे थे यही लोग जो डिस्करेज कर रहे थे यही लोग जो इग्नोर कर रहे थे दे गो दोर्थ स्टेज दे नाउ इंकरेज यू ये इंकरेज करते हैं उन साढ़े बारह परसेंट लोगों को और कैसे करते हैं शायद ये एक मार्केट से किताब ले आएगा इंग्लिश की यार वो मैं गया था मुझे ये किताब समझ में आई तू आजकल इंग्लिश सीख रहा है ना ये ले किताब पढ़ ले अरे यार वो तू जॉगिंग कर दोस्त मिला वो उसका भाई जो है मैराथन भागता है मैंने उससे बात करी कि तेरे टाइम बिताएगा एंड ही विल शेयर विद यू हाउ यू कैन रन बेटर मैराथन और यू कैन रन इन अ बेटर वे ये भी आपको इनकरेज करते ये वही लोग हैं जिन्होंने आपकी मजाक बनाई ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको डिसेज किया वही हैं जिन्होंने आपको इग्नोर किया एंड टाइम कम्स वेन दिस सेम पीपल दे स्टार्ट इनकरेजिंग यू सो फ्रॉम यू बींगर ऑफ लाफ्टर टू यू बिकमिंग इंकरेज यू ये सफर फ्रॉम दैट स्टेज कि आपकी मजाक बनाई जा रही है और आपको इनकरेज किया जा रहा है इन सफर के बीच में आपका पेशेंस आप कितने पेशेंट हो और आपका कमिटमेंट आप अपने उस गोल के प्रति कितने कमिटेड हो अगर कमिटमेंट में कमी है पेशेंस में कहीं कमी है यू विल सी दैट दे विल विन एंड यू विल लूज तो उपराला भी कहता है कि कोई चीज ऐसे आसानी से नहीं मिलेगी देखो राजा यू हैव टू फाइट फॉर इट एक कदम लेगा तो दस लोग तेरे को बोलेंगे तेने वो कदम क्यों लिया और वो लोगों की गलती नहीं है वो ऐसी सृष्टि का नियम है तू चार कदम लेगा तो लोग तेरे को दस कदम पीछे धकेलने के लोग आएंगे लेकिन तू आगे बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा तो वही लोग जो तेरे को धकेल रहे थे वही लोग जो तेरे को पीछे कर रहे थे वो तेरे साथ चलेंगे और एक समय आएगा जब वो तेरे पीछे होंगे और तेरे को पुश करेंगे आगे जाने के लिए बट उसके लिए वो पाने के लिए उनका सपोर्ट पाने के लिए तेरे को अपना कमिटमेंट तो दिखाना पड़ेगा